In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Filhaal. दोस्तों मूवी फिलहाल जो रिलीज हुई थी 1 फरवरी 2002 को, ये एक बॉलीवुड ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है मेघना गुलजार, इसके प्रोड्यूसर हैं झम्मू सुगंध। अब बात करते हैं कास्ट की। फिल्म के अंदर सुष्मिता सेन, तब्बू, संजय सूरी और पलाश सेन चारों इसमें लीड रोल में नजर आए थे। अब जो फिल्म है फिलहाल, इसके जो डायरेक्टर और राइटर है मेघना गुलजार जो है, ये उनकी ऐसा डायरेक्टर डेब्यूट फिल्म थी, यानी कि पहली फिल्म थी। और मेघना गुलजार बॉलीवुड फॉर्मर एक्ट्रेस रह चुकी राखी गुलजार की डॉटर हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 1,91,00,000 का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 3,09,00,000, 3,09,00,000 का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 1,02,00,000, 1,02,00,000 की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 4,11,00,000, 4,11,00,000 का। रही बात बजट, तो फिल्म का बजट था 4 करोड़। अब 4 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 1,91,00,000 का, और जो ओवरसीज का था 1,02,00,000 का। लेकिन फिर भी फिल्म कहीं से भी बजट को रिकवर नहीं कर पाए, यानी कि फिल्म फिलहाल को बॉक्स ऑफिस पर लॉस का सामना करना पड़ा, और लॉस की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का सामना करना पड़ा, यानी कि फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है फ्लॉप की। अब रही बात गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 7 गाने थे, और गानों के जो कंपोजर थे वो थे अनु मलिक। अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ तो गाने लिखे थे गुलजार जी ने। आपको बता दें कि गुलजार जी इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर मेघना गुलजार के फादर हैं, और फॉर्मर एक्ट्रेस रह चुकी राखी गुलजार के हस्बैंड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।